लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। बाल बाल भी है सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। लाल रंग पर इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति लाल है। लाल टोपी पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से सूबे का सियासी पारा चढ़कर लाल हो गया है। सीएम योगी के वार पर सपा सुप्रीमो अखिलेश ने शुक्रवार को पलटवार करके इसे और गर्मा दिया है। अखिलेश यादव ने अपने कन्नौज दौरे पर कहा कि लाल इमोशन का रंग है, लेकिन जिनकी कोई भावनाएं संवेदनाएं ही नहीं है वो क्या लाल रंग की अहमियत को समझ पाएंगे। इसलिए जिनके सिर पर बाल नहीं है उनको लाल टोपी पहननी चाहिए। आप सब लोग जानते हो जब सदमा लग जाता है तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं, और कभी किसी के चोट लग जाए तो कुछ और बोलते हैं। जो लाल रंग है उसको समझना पड़ेगा, ये लाल रंग क्रांति का है, लाल रंग हमारे इमोशंस का है, ये लाल रंग मेल मिलाप का है, ये कार्यक्रमों का हमारे जब बहुत पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं उसमें सबसे ज्यादा रंग अगर कोई दिखाई देता है तो लाल रंग दिखाई देता है। हम जब खुश होते हैं तो आप देखते होंगे हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं, दुखी हो तो हमारे चेहरे लाल हो जाते हैं। ये लाल रंग इमोशन का है, हमारे मुख्यमंत्री जी इमोशन नहीं समझ सकते। और देखो हमारे यहाँ तो बाल बाल भी हैं सर पे, तो कम से कम ये टोपी उन लोगों के भी काम आ सकती जिनके बाल ना हो, गंजे जो लोग। अखिलेश यादव योगी और बीजेपी पर निशाना साधने में यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका सब कुछ काला है, हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, लेकिन बीजेपी वालों को हार का बड़ा सदमा लग गया है इसीलिए उनको हर जगह लाल लाल और बस लाल ही दिख रहा है। जो काले रंग की टोपी पहनते हैं उनका तो काले ही सब कुछ काला होगा, इसलिए काले पे बहस नहीं कर रहे हम। हमारा लाल रंग मेल मिलाप का है, खुशी का है, त्योहारों का है, हमारी देवियों के जितने कार्यक्रम संपन्न होते हैं दुर्गा माँ का लाल रंग, हमारे पारिवारिक कार्यक्रम होते हैं लाल रंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आखिर का नाराजगी क्या है? इसीलिए मैंने कहा कि जो हार का सदमा है, जो हार की वजह से सदमे से नहीं उभर पा रहे हैं इसलिए उन्हें हर जगह लाल 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 रंग दिखाई दे रहा है। सपा सुप्रीमो ने भाजपा की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि आज यूपी में अस्पताल और स्कूलों की हालत बेहद खराब है, अपराध बढ़ रहा है और लूट बलात्कार हत्या की घटनाएं आम बात हो गई हैं। लेकिन सरकार मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है बल्कि जनता को भटकाने के लिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है, जनता की कोई चिंता इनको नहीं है। अस्पतालों की हालत क्या है आज? अस्पतालों की हालत क्या है? जो अस्पताल बनाए गए थे समाजवादी सरकार में वो भी अस्पताल नहीं चला पा रहे, स्कूल की व्यवस्था ठप हो गई, बच्चों को जो फल मिलते थे वो नहीं मिल पा रहे, खाना जो स्वादिष्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ड्रेस नहीं, कपड़े नहीं, उनके पास पढ़ाई के लिए कोई इंतजाम नहीं, और जो महंगाई बढ़ गई है, इन्हें लाल रंग याद आ रहा है लेकिन जो महंगाई बढ़ गई उसका याद नहीं आ रहा इनको, जो बेरोजगारी फैली उसके बारे में नहीं बोलेंगे। तो ये तमाम सवाल है जिन सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को कानपुर में एक कार्यक्रम में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सपा की लाल टोपी को लेकर तंज कसा था। मुख्यमंत्री योगी ने अपने इस बयान में कहा कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे हैं। ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है, इस समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। माँ गंगा।
दरअसल आम चुनाव का परिणाम आने के बाद से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा मुखिया अखिलेश यादव में वार पलटवार का दौर जारी है। दोनों नेताओं की सियासी अदावत सदन से लेकर सड़क तक दिख रही है, लेकिन प्रदेश में उपचुनाव का शोर तेज होने के बाद से इस वार पलटवार के दौर ने और तेजी पकड़ ली है। सीएम योगी सपा को लगातार महिला अपराध पर घेर रहे हैं, तो सपा यूपी की कानून व्यवस्था, भाजपा की गुटबाजी और जनता के मुद्दों को लेकर भाजपा पर हमलावर हैं। युवाओं के रोजगार और पेपर लीक पर सपा ने सीएम को सीधा निशाने पर लिया है, जिस पर योगी का पारा भी सपा पर चढ़ा है। ऐसे में योगी अखिलेश के एक दूसरे पर जुबानी हमला करने से राजनीति गर्मा रही है। इससे यूपी की राजनीति योगी बनाम अखिलेश पर केंद्रित होती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।